हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन फॉर माय चैनल एसटी ट्रैवलर। तो आज फाइनली न्यू रुमतेक मोनेस्ट्री घूमने का मौका। तीन बार यहाँ आ चुका हूँ बट अंदर आने का मौका नहीं मिला था, तो फाइनली दिस ईयर मुझे अंदर आने का मौका मिल गया। तो आज अकेला ही आया हूँ, सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंदर की नज़ारा देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहुँच के, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से यहाँ आने का ट्राई कर रहा हूँ, तो कितनी बार आया भी था बट कोविड के चलते अंदर जाने का मौका नहीं मिला। बट दिस टाइम फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा। अभी मेन जो मॉनेस्ट्री है वो ये है, रुमतेक न्यू मॉनेस्ट्री, काफ़ी सुंदर, अच्छा है। और यहाँ से कुछ इस टाइप का व्यू है। ये है एक्चुअली तादुंग राणा गांव, एंड अपर में जो टॉप में दिख रहा है वो गैंगटॉक तो नहीं है, बट उस पहाड़ के उस पार में गैंगटॉक है। तो यहाँ से जब मौसम साफ रहता है तो आपको कंचनजंगा के भी खूबसूरत दर्शन नज़ारे हो जाएंगे। और मैं यही नीचे रोड से आया हूँ, ये है जो रोड, ये रोड से नीचे से आया हूँ। एक्चुअली मैं शायद आज भी नहीं आ पाता, क्योंकि जो मैं तो उस साइड से आया हूँ, तो उस साइड में डाड़ा गांव में बारिश हो रहा था, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रहा था। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि शायद इस बार भी बारिश हो रहा होगा, क्योंकि इस बार ये जो टोटली जो एरिया है ये विलेज एरिया है, तो इसीलिए सोचा इधर शायद ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो इसीलिए मन में एक बार ख्याल आया कि नहीं आज नहीं जाएंगे, बट फिर भी हिम्मत करके जैसे भी निकल गया, बारिश होगा तो देखा जाएगा। तो अकेले रुमतेक नीचे जो टैक्सी स्टैंड तक है वहाँ तक आया, उसके बाद में हिचहाइकिंग करके ऊपर तक आया। और ये आपका जो ये जो पतला सा गली वाला रोड दिख रहा है, ये है रुमतेक मोनेस्ट्री आने का गली। और इसका एंट्री पॉइंट में तो 2-3 BSF के जवान बैठे हैं, जो कि यहाँ जो भी अंदर आ रहे हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड चेक करके, उनको सिग्नेचर करा के फिर अंदर आने दे रहे हैं। एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं लाया, तो उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन में कुछ होगा तो दिखा शो कर दीजिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी, एनीथिंग। तो बट गजब की बात बोलूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने फाइनली पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला मैं उस पार से आया हूँ, तादुंग से। तो उन्होंने बोला सर तादुंग से आया तो इनको जाने देते हैं। सर आई एम लकी, नहीं तो शायद आज भी मेरा जो सपना था यहाँ पर अंदर आने का तो अधूरा ही रह जाता। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। अभी तो टूरिस्ट तो नहीं है, पर जो भी लोकल है या फिर जो इधर काम वाम करते हैं सब इधर घूमने के लिए आए हैं। तो अभी मैं भी जाऊंगा ऊपर। ये राते मौसम नदी का किनारा, तो फाइनली मैं मेन गेट के अंदर एंट्री हो चुका है मेरा। तो यह है मेरा टिकट, ओनली 10 rupees पर पर्सन। तभी मैं ये पूरा अंदर घूम सकता हूँ।
काफ़ी खूबसूरत है ये गैंगटॉक का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री यही है। सो आई एम प्राउड बिकॉज आई एम ऑल्सो बुद्धिस्ट। तो गाइस एक मज़े की बात बोलूं, आप मानो या ना मानो, जब से मैंने ये जो मेन मोनेस्ट्री जो टेंपल है इसके अंदर एंट्री किया है तब से मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो अंधेरा से छाने लगता है। तो ये खिड़की के बाहर से आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो मैंने BSF से भी और यहाँ के जो मोनेस्ट्री के जो लामा जो लोग हैं उनसे भी परमिशन मांग के मैं ऊपर तक आ चुका हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि जब जैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो मेरा कैमरा ब्लर, मतलब अंधेरा सा छाने लगता है कैमरा में। तो इसीलिए कुछ साफ साफ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं अंदर का कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो एक्चुअली यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, पर फिर भी परमिशन लेके मैं अंदर तक तो आ गया हूँ, पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो फाइनली मैं टॉप पे आ चुका हूँ। तो मैं जहाँ पर अभी पहुँचा हूँ तो ये लाइब्रेरी रूम है इस मॉनेस्ट्री का। तो काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी है। तो आई एम द लकी गाय क्योंकि अभी तक आज यहाँ जितने भी घूमने के लिए आए हैं उनमें से सिर्फ मैं अकेला हूँ जो यहाँ ऊपर तक पहुँचा हूँ। तो हो सकता है शायद किसी ने प्रयास नहीं किया या फिर आना नहीं चाहता। तो लुक एट द व्यू। जैसे तैसे करके पूछताछ करके भी मैं ऊपर तक पहुँच ही गया फाइनली। कहाँ बड़ा को भाई, घर कहाँ हो? सब नेपाल बड़ा हो? तो मैं आया हूँ तादुंग से, उस पार से। तो आज का जो मेरा मेहनत और जो डिसीजन था सब काफी सफल रहा। कहा जाता है कोशिश करने वालों के हाथ नहीं होता। गाइस अभी के लिए रूम टेक मोनेस्ट्री का जो वीडियो है अभी इसको यहीं तक एंड करते। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब फॉर माय चैनल सुबस द ट्रैवलर एंड कीप सपोर्ट मी गाइस। तो आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते रहेंगे।